इंटरव्यू में आपके पहुंचने से पहले आपका रेज्यूम पहुंचने वाला है या फिर ये कहिए कि आपका सीवी पहुंचने वाला है। तो इसलिए आपके पहुंचने से पहले जो चीज आपको प्रेजेंट करने वाली है वो बड़ी ही इंप्रेसिव होनी चाहिए और प्रोफेशनल होनी चाहिए, यानी कि आपका रेज्यूम या फिर आपका सीवी बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल और इंप्रेसिव होना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से रेज्यूम बनाना चाहिए, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए और क्या क्या उसमें ध्यान रखना है, सारे डिटेल्स हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रेज्यूम में सबसे ऊपर लिखा जाता है नाम, आपका एड्रेस और आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स। मिडल में आना चाहिए सारी चीजें और उसमें भी किस तरह से लिखना है मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहले आता है आपका नाम। आपका नाम चाहे आप मिस्टर से स्टार्ट करो, अगर आप फीमेल हो तो मिसिस से या मिस से स्टार्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप डायरेक्टली नाम लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है, और सबसे ज्यादा गलतियां भी लोग इसमें करते हैं वो ये है कि सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए, फिर आपकी सरनेम आनी चाहिए। देखिए, बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब ज्यादातर स्कूलों में ये होता था कि सबसे पहले हमारी सरनेम लिखी जाती थी, उसके बाद हमारा नाम आता था। ठीक है, पता नहीं ये क्यों होता था, उस टाइम शायद कास्ट की ज्यादा वैल्यू थी या फिर जनरल एसटी एससी ओबीसी ये सब अलग अलग करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता था, लेकिन हमें याद नहीं। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में लगातार इतने सालों तक हमें यही प्रैक्टिस दी गई थी कि पहले सरनेम आएगा फिर हमारा नाम आएगा, तो यही प्रैक्टिस हम जिंदगी भर चालू रखते हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं, जैसे कि मेरा नाम है वीरेन ठक्कर, तो बहुत लोग ये गलती करते थे कि सरनेम आगे ठक्कर वीरेन इस तरह से जिंदगी भर लिखते रहते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। जब आप स्कूल से बाहर आ जाते हो तब आपको हमेशा के लिए ये चेंज अपने दिमाग में डाल देना है कि सबसे पहले आपका नाम आएगा फिर आपकी सरनेम आएगी। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं ठक्कर वीरेन और पापा का नाम जो होता है वो पूरा लिखते हैं, इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। रेज्यूम में आपको सबसे पहले आपका नाम लिखना है वीरेन ठक्कर। अगर पापा का नाम आपको लिखना है तो भी पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वीरेन बी ठक्कर, बी फॉर बिपिन भाई मेरे पापा का नाम है, तो बी ठक्कर, वीरेन बी ठक्कर इतना इनफ है, या फिर वीरेन ठक्कर इज वेरी गुड, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। खास ध्यान ये भी रखना है आपको कि जहां पे नाम लिखते हो ये सारी डिटेल, पूरा नाम आपका बोल्ड में होना चाहिए, थोड़ा सा फॉन्ट उसका बड़ा होना चाहिए, बाकी सारे डिटेल से थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट उसका होना चाहिए। उसके बाद नीचे आता है आपका एड्रेस। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि एड्रेस में इतना कुछ डिटेल में लिख लेते हैं जैसे अभी ही अभी वो इंटरव्यूअर आपके घर पे आने वाला हो। जरूरी नहीं दोस्तों, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। आप अपने सोसाइटी का जो घर नंबर है, फ्लैट नंबर है वो लिखो, सोसाइटी या फ्लैट अपार्टमेंट का नाम लिखो, एरिया लिखो और सिटी लिखो, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसके बाजू में हनुमान टेम्पल के नजदीक में, ये स्कूल के सामने, इस गली के पीछे, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पर सिर्फ दो लाइन में छोटा सा एड्रेस आप लिख लो, इतना इनफ है। इंटरव्यूअर ये देखना नहीं चाहता कि आपकी कौन सी सोसाइटी में किसके बाजू में रहते हो, बस आप कौन से एरिया में रहते हो या कौन से सिटी में रहते हो ये दिखा दो, इतना ही इनफ है। उसके बाद आता है आपका कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप लिखिए कॉन्टेक्ट नंबर या फिर एम, मोबाइल का एम लिख के आप नंबर लिखिए। नंबर में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रोफेशनल दिखना है। आप किसी को मुंह से वर्बली नंबर नहीं बता रहे हो, आप लिख रहे हो, तो वो प्रोफेशनली और थोड़ा सा इंप्रेसिव लगना चाहिए। इसके लिए हमेशा आपको अपने मोबाइल नंबर के आगे हमारा कंट्री कोड जो है +91 वो जरूर लिखना है। ये बहुत ही अच्छी इंप्रेशन क्रिएट करता है, और ये इंटरनेशनली भी आप कहीं पे दूसरी कोई कंपनी में रेज्यूम भेज रहे हो तो +91 लगाना जरूरी है। तो +91 लगा के आपका मोबाइल नंबर लिखिए। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, तो वहां पे ईमेल आईडी के आगे ईमेल आईडी पूरा लिखना है आपको, सिर्फ ईमेल नहीं, सिर्फ आईडी नहीं, ईमेल आईडी करके डैश करके आपका ईमेल आईडी लिखो। इतनी डिटेल्स सबसे पहले रेज्यूम के टॉप पर आएगी, जिसमें मैंने बताया कि आपका नाम बोल्ड में लिखना है और कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इतना ध्यान रखें, उसके बाद देखते हैं नीचे क्या लिखना है।